आज ये समाचार आया कि कांग्रेस पार्टी ने 1984 के जो सिख दंगे हुए थे उसमें जिस नेता ने सबसे ज्यादा नफरत फैलाई और हजारों सिख परिवार शोकलिप्त रहे, उस जगदीश टाइटलर को आज AICC का इलेक्टेड मेंबर बना दिया गया है। और ये कहना आप गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो जगदीश टाइटलर जैसे नफरत फैलाने वाले, कानून तोड़ने वाले और नरसंहार करने वाले आरोपी ही हैं। और मुझे याद आता है कि कुछ समय पहले राहुल गांधी एक यात्रा कर रहे थे जिसका मुख्य लक्ष्य भारत को तोड़ने का काम करना था और कह रहे थे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। राहुल गांधी जी, कृपया करके ये बताइए, जिसके ऊपर 84 के दंगों का मुकदमा चल रहा है, जो चलाना आपकी उस वक्त की सरकार को चाहिए था लेकिन मरहम लगाने का काम किसी ने किया तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और मुकदमा चल रहा है। आप जब एक आरोपी को जो कि मुजरिम है, AICC का इलेक्टेड मेंबर बनाते हैं तो क्या संदेश देते हैं? यह मोहब्बत की दुकान है या नफरत की दुकान है? और आपका असली घिनौना चेहरा अब सामने आ गया है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह पहली दफा नहीं है कि जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और तमाम और कांग्रेस के नेता जिन्होंने नरसंहार किया, उनका महिमा मंडन किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पिछले साल हमने देखा था किस तरह से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सोनिया गांधी जी ने, जो कि उस वक्त अध्यक्षा थी, जगदीश टाइटलर को जगह दी। भारत तोड़ो यात्रा में जब यात्रा दिल्ली पहुंची तो जगदीश टाइटलर भी वहां पे व्यवस्था देखने के लिए उपस्थित थे। और अब ये तीसरा मौका है बहुत ही कम अवधि में जो ये दिखाता है कि राहुल गांधी और जगदीश टाइटलर दो जिस्म एक जान है। बिना जगदीश टाइटलर के कांग्रेस की कोई पहचान ही नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। और मैं इतना ही कहूंगा, अगर इसको आप जोड़ें जो वक्तव्य कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता देते आए हैं, 84 के दंगे नरसंहार हुए तो हुए, क्या हुआ हो गए, तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र क्या है। असली चरित्र ही ये है कि देश में आग लगाओ, दंगे कराओ, नरसंहार कराओ, और जब कांग्रेस के नेता को आगे किया जाता है तो इसके पीछे जो अदृश्य शक्ति है वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं और गांधी परिवार स्वयं उस नरसंहारी शक्ति को ताकत देता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक है और इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। और पूरा देश आज आपका ये बांटने वाला चरित्र देख रहा है।